Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. So today we have this Toyota Witz and I'm going to let you know my driving impressions upon this. So aaj hum zara thoda different style humne shuru kar diye. Start yahan se karte hain fir we move to the back and then we move again to the front. Acha. So ji baat ki jaye, this is a Toyota Witz. Iska model year hai 2015. Make 2015 hai kyunki sari gaadi imported aati hain. They're not locally made. So locally जब ये इम्पोर्ट होके आई थी दिस केम इन 2017 और 2017 में फर्स्ट ओनर के पास गई थी. अगर आपने मेरा परचेज डिसीजन देखना तो इस वीडियो के बाद वो आएगा, तो काइंडली डू फॉलो दैट टू. 2017 में ये अपने फर्स्ट ओनर के पास गई और वी बॉट इट लास्ट मंथ. वी आर द सेकंड ओनर ऑफ दिस कार 2022 में लास्ट महीने में ली है हमने. ये Toyota Witz का मिड स्पेक वेरियंट है. इसमें आपके पास एक लोअर आता है, इसमें आपके पास पुश स्टार्ट है. आप इसका रिव्यू भी देख लीजिएगा, वो अभी लाइव होगा. इसमें आफ्टर टोल्ड एवरीथिंग इसमें होगा पुश स्टार्ट, आपके पास स्टीयरिंग बटन्स आ जाते हैं, दिस एंड दैट. पाकिस्तानी रोडों के रास्ते बड़ी मशहूर और इट्स अ वेरी नाइस कार. तो टुडे हम इसकी ड्राइविंग इंप्रेशंस पे चलते हैं. बाय द वे मैंने इसका पुराना जेन भी किया हुआ है रिव्यू, वो काइंडली आप चेक करिएगा, 2008 वाला. और ये गाड़ी हमने उसके सक्सेसर में लिया, ठीक है. तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल विथ के हाउ इज द कार टू ड्राइव. फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी में जो मुझे सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट लग रही है, आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट टू इट, आप इसकी जरा सीट देखें. जो मुझे एक इम्प्रूवमेंट लगी है पुरानी वर्ष से, दैट इज इससे कि मुझे पुराने वाली की सीट बिल्कुल मतलब कंफर्टेबल नहीं लगती थी. और इसकी भी कॉल सीट है, लेकिन इसकी ये सपोर्टिवनेस बड़ी अच्छी है. मतलब मुझे यार से थोड़ी ज्यादा बेहतर सीट लग रही है. आई डोंट नो वाई. नीचे से फ्लैट बॉटम है, थोड़ी सी बोलस्ट्रिंग है. यहाँ से भी आपकी मुनासिब बोलस्ट्रिंग जा रही है, लाइक फ्रॉम हेयर टू आपके जो हेडरेस्ट है इंटीग्रेटेड है. तो यू नो इट्स लाइक होल्डिंग, मतलब मेरी बॉडी एक काफ़ी अच्छी, लाइक आई एम नॉट मूविंग अबाउट. प्लस मतलब मैं तो आराम से फिट आ रहा हूँ. मैं तो बकेट सीटों में भी आराम से आ जाता हूँ. दीज आर नॉट बकेट्स, लेकिन ठीक है, मुनासिब है. उसके बाद जी इसका एसी विड्थ को लेने का एक सबसे बड़ा रीज़न था, एसी अच्छा होना चाहिए. तो इसका एसी इज ऑन पार. अभी हम वन पे जा रहे हैं और आउटसाइड टेम्परेचर 33 सेल्सियस है, ठीक है, मुनासिब है. तो इसका आउटसाइड टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा है. मोर ओवर जी आपके पास इसकी जो इंटीरियर स्पेस है वो पुरानी वाली से बहुत अच्छी है. मतलब इंटीरियर रूम हैज़ इंक्रीज्ड. अब आप देखेंगे, मतलब अगर आप पूरा दिखा सकें जेंटलमैन, मतलब हम कोई चार बंदे बैठे हैं, लाइक वी आर वेरी कंफर्टेबल है. और लाइक वाइज हम प्रिटी रूमी आउट हेयर. आई हैव अ लॉट ऑफ हेड रूम हेयर, लाइक लॉट ऑफ शोल्डर स्पेस है, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल. अच्छा, दूसरी बात, द बिगेस्ट थिंग आई नोटिस, इस गाड़ी की रोड हाइट बहुत अच्छी है. अब ये जो रोड हम गुजरा है, रुके मैं इसे रिवर्स करता हूँ, आप कैमरामैन दिखाइएगा. नहीं, आप अंदर से ज़्यादा दिखाएं कैमरा में, इतनी क्यों खुआरी कर रहे. ये रोड हम पे, इस पर मेरी सेविंग भी नहीं जाती और इस पर पुरानी विड्स भी लग जाती थी, ठीक है. अब आप ये देखिएगा कि हम आराम से जाते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं लगती, विच इज़ अ वेरी नाइस. ये कितनी कम्फर्टेबली गई है. तो इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि इसकी रोड क्लियरेंस पुरानी वाली से बहुत बेहतर है, लाइक इट्स माइल्स अपार्ट देन द ओल्ड वन. तो ऑल इन ऑल मतलब इट्स ग्रेट, ठीक हो गया. उसके बाद बात की जाए स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग जो है अभी भी वैसा ही है. इट्स वेग, इट्स नॉट दैट रिस्पॉन्सिव. अभी भी देखें, हम जा रहे हैं सीधा, तो गाड़ी में मोड़ रहा हूँ. ये देखें, आपको गाड़ी मुड़ती नजर आ रही है, नहीं आ रही ना. जब मैं ये करता हूँ फिर गाड़ी थोड़ी मुड़ती है. आफ्टर दैट सस्पेंशन भी पुरानी वाली से बहुत बेहतर है. सस्पेंशन उससे बहुत सॉफ्ट है. पुरानी वाली वॉज लाइक ऑन रॉक रेल्स. पुरानी वाली की वेरी सॉरी टू से, लेकिन पुरानी वाली की सस्पेंशन वॉज, वो लगता था सस्पेंशन तीन या पत्थरों में बैठे हैं. हम सिटी को कहते हैं ना, उसकी बहुत घटिया सस्पेंशन. इसकी उसके मुकाबले में बहुत बहुत अच्छी सस्पेंशन है, लाइक आपको पता लग रहा है. प्लस इसका जो बॉडी लीन है वो भी पुरानी से बहुत बेहतर है. मतलब ठीक है, अभी भी है, यारस से भी बेहतर है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी थोड़ी इस तरह मतलब इट डज मूव अबाउट अ बिट. और इसकी ब्रेकिंग जो है वो भी पहले से बहुत बेहतर है. लाइक पुरानी वाली की तो मुझे याद है ब्रेक लगती नहीं थी, वो तो अब जाएँ बस फिर जाती रहें आगे, माशाल्लाह वो तो फी मान लाती. तो माशाल्लाह ये है. This is the forward visibility of this car. आपको एक ओपननेस की फील आएगी पुरानी वाली से. This is a wider car, this is a longer car, और थोड़े से आपकी हाइट भी इंक्रीज है. तो बात की जाए फ्रंट विजिबिलिटी के बारे में. अच्छा, फ्रंट डैश ना थोड़ा सा रेज्ड अप है और इसका जो लेआउट है इट्स नॉट लाइक द प्रीवियस जेन विड्स के. आपके पास दरमियान में मीटर क्लस्टर और यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें आप इतना कन्फ्यूज होते थे, देख सीधे रहे होते थे, फिर आप कहते थे अच्छा ये स्पीड जा रही है, फिर आप कहते थे अच्छा आप सामने देखो, फिर कहते थे अच्छा ये स्पीड जा रही है, मतलब दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल. तो थैंकफुली इन्होंने आप एक कन्वेंशनल जगह पे स्पीडोमीटर दिया, जहाँ इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आपकी बिल्कुल आई लाइन के अंदर आता है. तो मेरे ख्याल से इट्स अमेंडमेंट. बाय द वे अगेन, ये जो रोड हम्स हैं इनसे गाड़ी बड़ी मुश्किल से गुजरती है और अभी बिल्कुल आराम से गुजरती है, मुझे कोई टेंशन नहीं है. ऐसा वैसे कि आपके पास के थोड़ा डैश और रेज्ड अप हो गया पुरानी वाली का, क्योंकि वो स्लोपिंग था, क्योंकि उसका सेंटर वो डिस्प्ले ही वहाँ था.
डिस्प्ले तो नहीं, आवाज से इसके जो ये गेज क्लस्टर वहाँ का। अच्छा, विजिबिलिटी की बात की जाए तो डैश थोड़ा बड़ा है पुरानी वाली से, और आपको फ्रंट विजिबिलिटी बिल्कुल नज़र नहीं आती, एज आपके सारी हैच बैग्स के साथ यही मसला है। लाइक वाइज आपका एक और मसला ये है कि आपके ये जो ए पिलर्स हैं ये भी थोड़े थिक हैं, ऑल दो पुरानी वाली से बहुत बेहतर है, पुरानी वाली में तो कुछ नज़र ही नहीं आता था। इसमें यह फ़ायदा है कि इन्होंने ये जो एक क्वार्टर ग्लास दिया ना ये वाला, तो इससे ना आपको लाइक इट मिटिगेट्स इट, लेकिन इट्स स्टिल नॉट गुड। अब आप देखिएगा यहाँ से मैं जा रहा हूँ और तकरीबन ये रोड पूरी साइड से छुपेगी, ये देखिएगा ये आपको कुछ ये रोड नज़र आ रही है यहाँ से, तकरीबन पूरी ये रोड छुपी है यहाँ से, लेकिन अभी भी होंडा सिटी से बहुत बेहतर है, होंडा सिटी के इससे भी कट गया तो ये है, लेकिन पुरानी से बहुत बेहतर है, इट्स अ बिग इम्प्रूवमेंट ओवर द ओल्ड वन, बट अंडरस्टैंड के इट दे कुड बी इम्प्रूव्ड लाइक जापानीज कह रही है। एक्चुअली यहाँ से चौड़े होते हैं ना तो ये थोड़े से अच्छा हो जाते हैं। उसके बाद फ्रंट विजिबिलिटी में मेरे पास सिर्फ इतना रूम है देखने के लिए, विच इज़ मेरे ख्याल से थोड़ा बेहतर है। अच्छा, थोड़ा ओपननेस आ रही क्योंकि यहाँ से नहीं नीचे हो जाता है, तो आपको ना यहाँ से ज़रा थोड़ी यू फील एयरी। अभी हम जी एक इसका आपको रेडियस टर्न बताता हूँ, लाइक मैं हम टर्न इट अराउंड और मैं देखता हूँ इसकी किस तरह का टर्निंग साइकिल है। तो ये हमने गाड़ी का स्टेयरिंग लॉक कर दिया और लाइक नॉट इम्प्रेसिव इन माई ओपिनियन, ठीक है मेरे ख्याल से होंडा गेन से बहुत बेहतर है। लाइक आप इतने में आप सिटी को आराम से टर्न कर सकते हैं और मैं इतनी में सिविक को भी टर्न कर सकता हूँ विदाउट टेकिंग ए यू टर्न। यार ये जो इसकी रोड हाइट है ना जिंदगी से खून कर रही है, वरना मैं तब का बताऊँ कि सोच रहा हूँ यार ये मेरी लग ना जाए गाड़ी, ये ना हो जाए क्योंकि मैं सिविक यहाँ से नहीं गुजार सकता। लाइक वाइज इन जम्प्स पे सिटी तक लग जाती है कभी कभी, तो इसका ये बहुत प्लस पॉइंट है कि ये इट्स वेरी नाइस। अच्छा, उसके बाद सस्पेंशन की बात की, सस्पेंशन इज सॉफ्टर देन बिफोर, सीट्स आर बेटर, इंजन रिस्पॉन्स इज ऑल्सो बेटर देन बिफोर, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन दिस इज 1000 cc सेम डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन आपकी इसकी जो पुल है ना वो उससे बहुत बेहतर है। अलबत्त अभी मैंने फ्लोर की हुई है, ये गाड़ियाँ भगाने के लिए नहीं है, लेकिन डे टू डे में ना मतलब दिस हैज मोर रिस्पॉन्स टू इट, इट्स नॉट आई मीन अ स्पोर्ट्स कार या मैं कहूँ बाबा जी निकलती है गाड़ी, इस तरह कोई मजाक नहीं है। अब अच्छा, ये वाली जो गाड़ी जा रही है ना आगे, ये इसका LED वेरियंट है, इसमें LED लाइट्स हैं, इसके नीचे फिर ये वाला वेरियंट आता है, इसमें दिस वॉज अ फुल ऑप्शन वाला। अच्छा, और ये वाला जो ये 2019 वाला वेरियंट खड़ा है इसका, ये इससे पुराना वाला, मतलब इसका इंजन इज बेहतर देन बिफोर, लेकिन अब ये नहीं कि सुपर स्पोर्ट्स मोड और दिस एंड दैट, मतलब डे टू डे के लिए बहुत बेहतरीन गाड़ी है और आप आराम से यू कैन लाइक मैनूवर एंड गो अराउंड इट, तो इसका ये बहुत एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो जी हमने इसका फ्यूल एवरेज के बारे में बात की जाए, तो फ्यूल एवरेज शहर में दे रही है 14-15, और अगर आप लॉन्ग रूट या रिंग रोड पे जाएं तो ये 25-26 दे देती है, और नॉर्मल फ्यूल, लेकिन अभी हमने इसके एक एक्सटेंसिव टेस्टिंग करनी है ऑन हाई ऑक्टेन, ये देखिए हम उस पर कितना फ़र्क पड़ता है। इसका जो इंटीरियर रूम है ना सारा बेज और ब्लैक है, तो थोड़ी ज़रा डार्क फील आ रही है, और आपका हेडलाइनर ये एक स्वेड मटीरियल में ग्रे में, तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा वो जैसे यारिस के इंटीरियर ना थोड़ा ज़रा बेज, तो ज़रा वो एक आपको खुली खुली फील देता, तो ब्लैक में, और ऊपर से सारा प्लास्टिक है, तो स्क्रैची प्लास्टिक है मतलब, और लो है सारा, मतलब क्वालिटी विज ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ओवर क्वालिटी, और इस सेगमेंट में लोग ड्यूरेबिलिटी ही देखते हैं। अदरवाइज इट्स प्रीटी इजी टू मैनूवर। आप विंग मिरर्स हैं या यू कैन से डोर मिरर्स, इनका एक मसला है कि ये भी हैं वही वाले जो आपके आते हैं दासो में भी आते हैं, यारिस में भी आते हैं, ग्रांडे में भी आते हैं, सेम मिरर्स, तो इनमें मुझे इस गाड़ी में इतना मसला नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि दीज आर मतलब इस गाड़ी के लिए ठीक है, ग्रांडे के लिए अभी मैं कहता हूँ ग्रांडे करोला के लिए वो छोटे मिरर्स हैं, असल में क्योंकि इसकी बॉडी ज़रा इस तरह नैरो आउट होकर आती है ना, मतलब नैरो आउट होकर मतलब इट कम्स इन, तो आपके पास ना मतलब कोने से सही नज़र आता है, उसके बाद बस यहाँ एम्पल जगह रहती है, वेरस करोला में आपके पास आधा शीशा तो गाड़ी के अंदर आ रहा होता है, तो मतलब गाड़ी आधा शीशा गाड़ी दिखा रही होती है, आधा शीशा रह जाता है, मतलब उसमें मैं क्या देखूँ। तो इस गाड़ी के लिहाज से इन माई ओपिनियन द मिरर्स आर प्रीटी एडिक्वेट, मोर ओवर इसमें यू हैवंट गॉट वन टच या वो, लेकिन ये है कि इसके जो ये स्टॉक्स है ना ये भी पहली वाली से बहुत बेहतर लग रहे हैं, मतलब पुरानी वाली से ना, पुरानी वाली के तो लग रहे थे हाथ में आ जाने, अगर आपने इसका थोड़े जोर के किया तो वो तो उतर ही जाएंगे, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से पुरानी वाली से इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतर है। लाइक वाइज इसमें आपका जो बॉडी रोल है वो भी बेहतर है, और इसकी ब्रेकिंग भी पहले वाली से बेहतर है, तो ये है, और इसके बाद आपके मैनुअल डिमिंग मिरर भी आ जाता है। इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो है मेरे जैसे बंदे चार बैठ सकते हैं, पाँच बंदा ऑन लॉन्गर जर्नीज वुड बी स्क्वीज, और इसकी जो बूट है वो भी आपके पास स्विफ्ट कैर से बढ़िया, तो प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से इट्स अ नाइस थिंग। दैट्स व्हाट हमने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कवर किया फ्रॉम द इंटीरियर टू द एक्सटीरियर,
plus from the drive to the seating comfort to fuel average, this and that. So chale ji, I hope you like the video. Kindly like kare, subscribe kare, share kare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.